जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है और आपका बहुत आभार है। बाबा महाकाल आपको बहुत खुश रखें, बहुत अच्छे से रखें। ये वीडियो का टॉपिक जो हम आज बात करें, यह व्यापार में कभी मत करना, यह व्यापार मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं रोज बातें होती है, बहुत सी चीजें छन कर बाहर आती है और कुछ बातें ऐसी है व्यापारिक दृष्टिकोण से जो एक कैजुअल बात है, एक सामान्य बात अभी के तौर में मुझे दिख रही है, जो बार बार वो रिपीट हो रही है। तो इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको सही जानकारी मिल जाए ताकि आप ये गलतियां व्यापार में ना करें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें जो है तकलीफें बढ़ जाती। ये बिल्कुल पॉजिटिव वीडियो है, मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसको देखने के बाद आप बहुत बड़ी समस्या जो आपकी आगे इंतजार कर रही है, आप उससे बच सकते हैं एक छोटी सी एडवाइस से, इस वीडियो को पूरा देखने से। तो पूरा देखें, चीज़ों को समझें। उससे पहले एक निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई सा भी नाम जो आपको अच्छा लगे वो नाम आप ज़रूर लिख दें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे मोटिवेट होता रहूं इसी तरह के अच्छे वीडियो लाने के लिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें दोस्तों, फीस है उसका। अब ये सुविधा फ्री नहीं है, फीस है, फीस पे करके आप बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि व्यापार जो अभी के दौर में चल रहे हैं, ब्याज पर बहुत ज़्यादा पैसे लेकर व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। अब यहां से एक एक बात को बहुत पॉइंट टू पॉइंट समझना, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद, बहुत से लोगों के अनुभव के बाद मैं ये बात कह रहा हूं कि व्यापार को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, या इन जो भी व्यापार आप कर रहे हो उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आप ब्याज पर पैसा लेते हैं, 10%, 5%, जितना भी आपका हो। वो जो चीज़ है, वो चीज़ 100 में से केवल और केवल 80, 100 में से 20 लोगों के लिए सकारात्मक है, लेकिन 80 लोग जो है उसमें फंस जाते हैं। ये बात जरूर है कि इसमें कहेंगे कि रिस्क नहीं लेंगे तो व्यापार कैसे होगा, रिस्क पे तो व्यापार टिका, ये एक अलग सब्जेक्ट है। और ये जो चीज़ है, ये कुएं में कूदने जैसा काम है कि आप 10%, 20%, 15% ब्याज पर लोन लेकर, लोगों से कर्ज लेकर आप अपने व्यापार में लगाकर, और अंत में बहुत ज़्यादा लोग इस विषय में जाकर फंस जाते हैं। क्योंकि उसमें दो चीज़ें हो जाती है। सबसे पहला होता है, हमारे दिमाग पे एक बोझ हो जाता है, हमारे पास जो हमारा फ्रीडम होता है, जो हम खुलकर काम करते हैं, वो बैन हो जाता है। बैन इसलिए हो जाता है हमारे लिए कि हमें टेंशन होता है कि हमें उन्हें पैसे देना है, उसे पैसे देना है, तो हम हमारा जो परफॉर्मेंस है व्यापार में उसे अच्छे से नहीं कर पाते। हमारे में काबिलियत बकायदा है, आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर इस वजह से बहुत से अच्छे खासे व्यापार, बहुत से अच्छे अच्छे लोग परेशान हैं। तो इस चीज़ से बचें दोस्तों, कर्ज से बचें। अच्छा लगो, लाइक करें। जय महाकाल।